हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजिस्टर नाथ। तो अभी समर का महीना शुरू हो चुका है, तो समर सीजन में अच्छे गुड़हल के फूल पाना चाहते हैं, तो देर न करते हुए अभी कर ले ये सब काम। जितने भी हमारे गुड़हल के प्लांट है, छोटे या बड़े, हर प्लांट की प्रूनिंग करनी है। बड़े प्लांटर में लगा हुआ है प्लांट, तो उसको कैसे फर्टिलाइज करें ताकि वो भी समर में अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। ये देख सकते हैं, ये मेरा बड़े प्लांटर में लगा हुआ है प्लांट, तो उसको सब एक साइज में मैं कट कर रही हूँ कि जब प्लांट की ग्रोथ हो वो एक साइज में हो और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। हिबिस्कस के प्लांट एक हार्डी प्लांट है, ये 12 महीने फूल देता है। सिर्फ विंटर सीजन में ही इसके फ्लावर कम हो जाता है, वरना 12 महीने ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसकी फ्लावर खत्म हो जाए, बर्ड्स आना खत्म हो जाए, तो इसकी हम प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा। पूरे अगस्त के महीने से फरवरी महीने तक इसके कटिंग हम लगा सकते हैं। हाइब्रिड या फिर देसी, इसकी हर कटिंग लग जाती है इजिली। तो ये देख सकते हैं, एक साइज में इस प्लांट की कटिंग कर दी है। ये एक बड़ा प्लांटर है, तो इट्टों के सहारे मैं इस प्लांट को इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि पानी ड्रेन आउट होने में कोई भी परेशानी ना हो। उसके ऊपर जो भी सारे खरपतवार उग गए हैं, जो भी सारे प्लांट्स हमने लगाए थे पहले, वो सबको खाली कर देना है और उसके ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी हटा देनी है। मिट्टी हटाने के बाद हम डालेंगे फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में न्यू सॉइल और कंपोस्ट डालना जरूरी है, इसके साथ बोन मील, हॉर्न मील, चाय पत्ती का जो खाद होता है वो सब, पत्ते के खाद, और डीएपी भी हो उसकी भी 4-5 दाने हम डाल सकते हैं पॉट साइज के अनुसार। तो इस पॉट के ऊपर की मिट्टी हटाकर मैंने न्यू सॉइल इसमें ऐड कर दी है। इस बात का ध्यान जरूर रखना है, जब भी हम इसमें पानी डालें तो इसके ऊपर से सावरिंग जरूर करें। सावरिंग करने से इसमें नमी बनी रहेगी और प्लांट के सूट्स जल्दी निकलेगा, इससे पत्ते भी साफ रहेंगे और डिजीज भी कम लगेगी। तो इस तरह से हमें सारे प्लांट में वाटरिंग करनी है। इसके बाद अगर हमारी छोटा पौधा हो हिबिस्कस की, तो उसको हम इस टाइम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा पौधा है, देख सकते हैं, इसकी मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये अभी मैच्योर हो चुका है, इसमें कलियां भी आना स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं आज पॉट में लगा रही हूँ। और भी बहुत सारे हिबिस्कस के प्लांट है जिसको मुझे रिपोर्टिंग करनी है। अगर सही टाइम पर इसकी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग किया जाए तो रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छी मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, 1 महीने बाद की रिजल्ट, पूरे न्यू सूट से इस प्लांट भर गया है। तो आप भी आपके प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं इस टाइम, ताकि आप भी सही टाइम पे सही रिजल्ट पा सकें और आप भी 12 महीने इस प्लांट से फ्लावरिंग पा सकें। प्लांट को अगर टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल पे जरूर विजिट करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी सही टाइम पर सही रिजल्ट पा सकें। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।